जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी तक बैटरी सेट के लिए और बैटरी चार्जर, हमारा जो बैटरी चार्जर 110 वोल्ट 200 AH कैपेसिटी का है, रेडोटन कंपनी का है। यहाँ पे यहाँ अपन देखेंगे फ्लॉट एंड बूस्ट चार्जर, फ्लॉट एंड बूस्ट सेक्शन जो है, अलग अलग सेक्शन है इसमें, ये सेक्शन फ्लॉट का है और ये सेक्शन बूस्ट का है। यहाँ पर हम देखेंगे ये आपका जो है फ्लॉट वाला वोल्टेज, फ्लॉट वाला स्विच है AC का ऑन है और फ्लॉट का आउटपुट स्विच ऑन है। बूस्ट का जो है आपका AC और आउटपुट दोनों ऑफ हैं, जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है। जैसे हमने बात की थी नॉर्मल कंडीशन में फ्लॉट ऑन बूस्ट ऑफ, तो ये हमारा फ्लॉट ऑन बूस्ट ऑफ वाली कंडीशन है। यहाँ हम देखेंगे वोल्टेज हमने 120 वोल्ट सेट कर रखा है, जो कि हमारी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज बैटरी सेट को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये DC वोल्टेज दिखा रहा है हमको, यहाँ AC वोल्टेज दिखा रहा है। AC वोल्टेज चूँकि 3 फेज है तो 415 वोल्ट करीबन यहाँ पर अपने को मिलता है, और DC वोल्ट चूँकि हमारे रिक्वायरमेंट सिस्टम की है बैटरी की है, तो 120 वोल्ट हमने मेंटेन कर रखा है। चूँकि रेगुलेटेड वोल्टेज मिलता है हमको, कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे मिलता रहता है, वो हमारे को फ्लॉट सेक्शन से मिल रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ ये जो फ्लॉट वोल्टेज है, ये आपके टैप वाला वोल्टेज आ गया, ये बूस्ट है, ये सारी जो है स्विचेज की पोजिशन पर हमको DC वोल्टेज कहाँ क्या है वो मिलता रहता है। ये ऑफ कंडीशन है, स्विच की ऑफ कंडीशन है, हमारा सिस्टम चालू है, सिर्फ DC वोल्ट मीटर कहाँ पे हमने सेट कर रखा है उसकी पोजीशन है। ये जैसे फ्लॉट वोल्टेज हो गया, हम इसको, ये हमारा लोड वाला वोल्टेज हो गया, ये हमारा बूस्ट का वोल्टेज है, ऑफ है अभी, बूस्ट चूंकि ऑफ है तो 0 वोल्टेज दिखा रहा है। ये हमारा टैपिंग वोल्टेज, चूंकि अपन ने बात की टैपिंग हमने 42 सेल पर अपन ने कनेक्ट कर रखी है, तो वोल्टेज 120 से कम दिखाएगा, तो यहाँ 100 से कम वोल्टेज दिखा रहा है, ये टैपिंग वोल्टेज अपना। ये हम अपन ने बैटरी पे आ गए, क्योंकि बैटरी और लोड, क्योंकि अपन ने बात की थी फ्लॉट दो काम कर रहा है, लोड को सप्लाई दे रहा है एज वेल एज बैटरी को, तो बैटरी वाला वोल्टेज भी जो लोड वोल्टेज है वही आपको प्रोवाइड करवाएगा। इस तरह से हमारे सेलेक्टर स्विच से हम पोजिशन देख सकते हैं कहाँ कितना वोल्टेज हमारे पास अवेलेबल है, हमारे को कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। क्योंकि फ्लॉट सेक्शन अभी ऑफ है और बूस्ट ऑन, सॉरी फ्लॉट ऑन और बूस्ट ऑफ है। ये आप देखेंगे की स्विच जो हम बात कर रहे थे, की स्विच इमरजेंसी के लिए है, ये इमरजेंसी में ही आपको ऑन करना है। अभी ये ऑफ है, जब भी हमको ऑन करना होगा तो हम इसमें चाबी लगा के इसको ऑन कर सकते हैं, जब हमारी इमरजेंसी होगी तब तक हमको इसको चाबी हम इसमें लगी नहीं रहने देते, ताकि कोई गलती से ऑपरेट नहीं कर दे, इसलिए हम इसको ऑफ ही रखते हैं। हमको जब भी बूस्ट को ऑन करना है तब बूस्ट का इनपुट और आउटपुट दोनों ऑन करेंगे, तब हमारे बूस्ट से बैटरी को सप्लाई जाएगी। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं सर, बूस्ट ऑफ है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये जो आवाज़ आई ये DC कॉन्टेक्टर की आवाज़ है। अपन ने बात की थी बूस्ट ऑन DC कॉन्टेक्टर ऑफ, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो DC कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, आपने थोड़ी सी आवाज़ सुनी होगी छोटी हल्की सी, तो वो DC कॉन्टेक्टर की आवाज़ है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे DC कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। अब दूसरा ये आउटपुट स्विच, क्योंकि अभी तो इनपुट स्विच ऑन किया है तो ये अभी सप्लाई यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन आउटपुट मतलब अभी बैटरी को नहीं जा रही है। अब इसके बैटरी को अगर जाती है तो ये अपन इसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये वोल्टेज बढ़ गया, अभी 0 था क्योंकि बूस्ट अभी ऑन नहीं था, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा था। जैसे इसको ऑन किया यहाँ वोल्टेज दिखाने लग गया। अब यहाँ पे चूंकि इसमें इस ये पुराना चार्जर है, इसमें कोर्स और फाइन कंट्रोल है। कोर्स फाइन कंट्रोल क्या होता है, यहाँ से फाइन वाले से तो क्या होगा, ये सॉरी फाइन नीचे वाला है, इसमें बूस्ट फाइन, फाइन से स्मूथली वोल्टेज, बहुत कम कम वोल्टेज, फाइन मतलब छोटा, बहुत कम वोल्टेज बढ़ेगा, कोर्स मतलब खुरदरा या मोटा। तो कोर्स वाले स्विच से आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, अब जब एक कंडीशन से 1 से 2 पे जाएंगे तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, फाइन से 1 से 2 पे जाएंगे तो कम वोल्टेज मिलेंगे। तो हम पहले फाइन को यूज करते हैं, फाइन से 1, आप इसको भी अगर देखते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ रहा है एज वेल एज इसकी। अब यहाँ चूंकि अब 4 पे आ गए तो 4 के बाद और एक्सटेंड नहीं कर सकते अपन इसको, तो हम क्या करते हैं इसको 1 पे ले आते हैं और इसको 2 पे लाते हैं। ये हमारा अरेंजमेंट है कि हमको किस तरह से ऑपरेट करना है, कि फाइन को 1 पे लाएंगे, इससे फिर 2 को करेंगे, फिर इससे 1 2 3 4। अब यहाँ देखेंगे करंट भी बढ़ रहा है और वोल्टेज भी बढ़ रहा है। इस तरह से हम बैटरी का वोल्टेज करंट को कांस्टेंट रखते हुए 12-15 एम्पियर, 12 या 10-12-15 एम्पियर तक इसको कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं और बैटरी को बूस्ट करते हैं। इन दोनों स्विचेज से हमको 16 पोजीशन मिल सकती है। अब जैसे 1 पे रखा तो 1 2 3 4, फिर 2 पे रखा 1 2 3 4, इस तरह से मेरे को 16 पोजीशन मिल सकती है कोर्स और फाइन स्विच से
स्टेप वाइज मैं वोल्टेज को बढ़ा के करंट को कांस्टेंट रखते हुए बैटरी को बूस्टिंग कर सकता हूँ इस चार्जर से। तो ये हमारा अरेंजमेंट है फ्लॉट एंड बूस्ट, मतलब इसमें फ्लॉट अलग है और बूस्ट अलग है, दोनों सेपरेट अपन यूज कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो ये हमारे चार्जर जो हमारे RSCB में ज़्यादातर चार्जर ये अवेलेबल रहते हैं, तो इन्हीं चार्जर से अपने को काम में लेना है आगे जो भी है। ये इंडिकेशंस हैं आपके जो फ्लॉट का RYB मतलब आपके तीनों फेज ऑन है, यहाँ भी अपने बूस्ट के हैं, ये RYB के बूस्ट के ऑन है। ये इंडिकेशन कभी कोई फ्यूज वगैरह उड़ता है अंदर, चूँकि फ्यूजेज अपन ने सर्किट में भी बताया था कुछ फ्यूजेज लगे हुए हैं इनपुट आउटपुट में, तो वहाँ पे जो भी ये फ्यूजेज हैं कोई भी फ्यूज अगर फेल होता है या बस्ट बर्न होता है तो यहाँ पे अपने पास इंडिकेशन आ जाता है। इसमें हम देखेंगे मेंस फेल का मतलब AC सप्लाई फेल हो गई तो इंडिकेशन आना चाहिए। फ्लॉट AC मेंस फ्यूज फेल मतलब आपके मेन जो इनपुट पे आपका फ्लॉट का कोई फ्यूज फेल हो गया, बूस्ट का फ्यूज फेल हो गया, फ्लॉट का रेक्टिफायर का, जो अपने रेक्टिफायर बताए थे कि DC का जो अपने डायोड या SCR लगा रखे हैं उसका अपने प्रोटेक्शन के लिए रेक्टिफायर के लिए फ्यूज लगा रखे हैं उसका कोई फ्यूज उड़ता है तो वो यहाँ पे दिखाएगा। ये कैपेसिटर का है, चूँकि कैपेसिटर रिपल्स को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, DC में जो AC पल्सेज होते हैं AC के रिपल्स होते हैं उनको कम करने के लिए अपन कैपेसिटर यूज करते हैं, तो वहाँ भी एक फ्यूज लगा रखा है। इस तरह से ये हमारे किसी भी तरह के फेलियर ऑफ फ्यूज का इंडिकेशन यहाँ पे आ जाता है। इस तरह से हमारा अरेंजमेंट है, तो इसको अपन को ध्यान में रखते हुए अपन को चार्जर को यूज करना है। GSS पे कभी भी आप फ्लॉट और बूस्ट दोनों सेक्शन ऑन रख के काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बूस्ट ऑन कर दिया तो फ्लॉट को ऑफ करना है, नहीं करना है, फ्लॉट को ऑन ही रखना है। फ्लॉट सेक्शन आपको लोड को सप्लाई देगा और बूस्ट सेक्शन बैटरी को चार्ज करता रहेगा।